तो कल के सेशन के एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन चलिए मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। और आपको पता है कि कल हमने एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ईएमएमसी के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है ना, आप सभी ने एंजॉय भी किया होगा। आने वाले अपकमिंग सेशन बच्चों अब प्राइवेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सो प्लीज ट्राई करिए कि लाइव अटेंड करें। प्रीमियम कंटेंट के लिए बस आपको लाइव पे ही अटेंड करना है, इससे ज्यादा और कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। बट मैं देख रहा हूं कि स्ट्रेंथ घट रही है, बट ये घटनी नहीं चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन कंसेप्ट जो है, कल एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बात की, तो एमआई टाइप के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ही है मेरा क्वेश्चन कि यार एक चीज बताइए कि यदि मेरे पास एक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बगल में एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया, क्या आपका एमआई टाइप का इंस्ट्रूमेंट उससे अफेक्ट हो सकता है क्या, ठीक है, या फिर नॉर्मली वर्क करेगा? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा ये है कि यार ईएमएमसी हम लोग कल कंस्ट्रक्शन पढ़े, उसके बारे में हमने ये जाना कि भैया ये फिक्स्ड कॉइल होती है ना, एक होती है पोटेंशियल कॉइल होती है, तो काहे को भैया आप फिक्स्ड कॉइल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं? तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं भी देखूं कि आप लोग को कितनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है टॉपिक से रिलेटेड। अदरवाइज रटा रटाया ज्ञान एसएससी जेई में वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है ना, तो इस चीज को समझिएगा। बाकी बच्चों आप यदि हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं, 110 कोड का यूज करिए। और बाकी यहां पे आप देख सकते हैं सफलता बैच और विजय भाव बैच धमाकेदार तरीके से चल रहा है, जुड़ने की कोशिश करिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सक्सेस यहां पे पा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।